हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, ये पंचमढ़ी का टूर का हमारा पार्ट टू रहेगा। अभी हम नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और यहाँ से जो जर्नी है हमारी स्टार्ट होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं आप, ये हम सभी नहाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। गाइस, ये हमारा होटल रूम है, होटल प्रतीक होटल रूम है। यहाँ पर हमने 6 लोगों ने एक रूम कलेक्ट किया है 1000 रुपीज में। और ये है, इधर कांच लगे हुए हैं और इधर ये इसमें एसी भी लगी हुई है। अभी हम जो हमारे कृष्णपाल भैया है वो नहाने की तैयारी कर रहे हैं और हमने जो पैकिंग थी वो तो कंप्लीट कर ली है। ये रूम में हमारे पानी की एक ये केन है पानी पीने के लिए और यहाँ पर बैठने के लिए काफी अमेजिंग है। और ये हमारे राधेश्याम भैया ये पैक कर रहे हैं ये कुछ सामान यहाँ पर। और ये रहा एक सामने मिरर है, काफी क्रिएटिव मिरर है डिजाइन। यहाँ पर एक एलसीडी भी दी है इन लोगों ने, ये चल नहीं रही है। फैन लगा हुआ है, लाइटिंग काफी अच्छी, अच्छा रूम है। 6 लोग ने हमने ये लिया है। तो गाइस, हम लोग जो है निकल चुके हैं टावेरा। जो भैया शाम को छोड़कर गए थे वो भैया है आज। और भैया हम सभी लोगों को बताएंगे कौन कौन सी जगह अच्छी है, कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे। और अभी हम सब लोग बैठे हैं, 6 लोग हैं। अभी कुछ खाने के लिए नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद में हम निकलेंगे। भैया अच्छी जगह ले चलना नाश्ता जी। क्या भाई, पुआ वगैरह, समोसा? हाँ भाई, पुआ वगैरह ठीक है, अपने आप साइड में ही जी। यहाँ पर जो है हम सभी नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ से फिर निकलेंगे। नाश्ता वास्ता करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि नाश्ता काफी अच्छा रहा है यहाँ का। और ये होटल है सतपुड़ा जलपान के नाम से होटल है। और अभी हम निकलेंगे तो विक्की भैया ले जाएंगे हमको घुमाने के लिए। और काफी अच्छे अच्छे जगह, पंचमढ़ी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इस रास्ते पे कौन कौन से, मतलब महादेव और कांडी को पड़ेगी प्रियदर्शनी ग्रीन वैली और तो महादेव महादेव। इतने खतरनाक मोड़ तो मेरे जिंदगी में कभी भी नहीं गया। नागिन मोड़ आ रहे हैं, ये सामने देख सकते हैं आप, ये सामने कितने खतरनाक मोड़ है।
जो है हाथी का एक ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप कुदरत का करिश्मा। हाथी की जो सूंड है वो पूरी यहाँ पर दिखाई गई है। ये है से 200 मीटर की दूरी पर है गुप्त महादेव, और अभी हम लोग जो है गुप्त महादेव जा रहे हैं यहाँ से। और इधर का जो व्यू है देख सकते हैं आप, बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। हिमाड़ी से यहाँ तक आने में आप लोगों को या तो टावेरा वगैरह या फिर अलग से कोई जिप्सी करनी होगी, और या फिर जिप्सी है जो 6 लोग खुली है तो वो करनी होगी यहाँ तक यहाँ पर आने में। अपन सतपुड़ा के जंगल में गुप्तेश्वर महादेव आ गए। यहाँ पर एक साथ 6 लोगों की एंट्री होती है। यहाँ पर बहुत ही शानदार नजर है। यहाँ पर ही पास में धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सभी पर्यटक आनंद लेते हुए और गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हुए। गुप्त महादेव से हम दर्शन कर अभी निकल चुके हैं और अभी कुछ और जगह आप सभी लोगों को लेकर चलेंगे। तो गाइस वहाँ पर महादेव का जो गुफा है गुप्त महादेव की, वो बहुत ही पतली है, तो 8 लोग ही जा सकते हैं और 8 लोग वापस तब तक नहीं आएंगे तब तक लाइन में लगना पड़ेगा आपको। गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं बड़े महादेव की तरफ, और यहाँ से सर ये तो पूरी पार्किंग 200 मीटर की दूरी पर है ये एक साइड, और यहाँ पर पूरी पार्किंग है। जितने भी टूरिस्ट में यहाँ पर आते हैं वहाँ पर पार्किंग पार्क करते हैं यहाँ पर गाड़ी, उसके बाद में जाते हैं। ग्रीनवेल बड़े महादेव और गुप्त महादेव के रास्ते पर ही पड़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं लगा। आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा ग्रीन वैली, कितना किसको बोलते भैया ग्रीन वैली? ये ग्रीन वैली सामने वो पहाड़ी देख रहे हैं वो धूपगढ़ है, हाँ, जहाँ से आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ पाई जाती है इसी जंगल में। कभी भी आओगे 12 महीने ऐसे ग्रीन रहेगा, कब पतझड़ हो जाता है पता ही नहीं लगता, पतझड़ लग गया पत्तियाँ आ गई है। ये ग्रीन वैली का यहाँ कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ पाई जाती है, जैसे जो पचमढ़ी में मिलती है ना वो शुद्ध दवाई आयुर्वेदिक। ये पहाड़ी इधर ऊपर पकड़ा है। दिस इज द ग्रीन वैली।
ये है प्रियदर्शनी है ना, ये वहाँ ऊपर पहाड़ी पे भी ऊपर है बंदर हो जी। तो पीछे हम आ चुके हैं हांडी खो, अब यहाँ पर घोड़े की सवारी भी है, बहुत सारे जो भी आप करना चाहो घोड़े की सवारी और वो कर सकते हो। जो आसपास के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर यूकेलिप्टिस के पेड़ हैं, और ये वही सतपुड़ा रिजर्व जंगल है काफी बड़ा। हांडी खो ये भी बहुत देखने लायक जगह है पंचमढ़ी में। ये जगह है हांडी खो, और अभी हम कर रहे हैं घुड़सवारी। भैया हमको पूरी जगह यहाँ पर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथी जो आगे चल रहे हैं। गाइस ये फर्स्ट टाइम है मेरा घुड़सवारी, और पहली बार मैं पंचमढ़ी में यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो जगह है काफी अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, कुदरत का करिश्मा यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। इधर भी ले लेंगे अभी। हाय किशोर। हाय, हेलो। गाइस यहाँ से अभी हम जाएंगे पांडव गुफा, और पांडव गुफा जस्ट हमारे सामने है। यहाँ से कुछ दूरी पर पैदल चलना पड़ता है, और यहाँ पर आप लोगों को खाने के लिए दुकानें हैं, तो नीचे आप लोगों को खाने के लिए मिल जाएगा तभी जो भी खाने का ये है। और यहाँ पर आप लोग बाइक राइडिंग होने की बहुत सारी चीज़ें, जो बाइक है और जो फोर व्हीलर जो चार पहिए वाली बाइक है उसकी राइडिंग भी कर सकते हो आप। और ये है पांडव उद्यान, ये देख सकते हैं यहाँ पर पांडव उद्यान है, और जो अभी हम जो है जस्ट ऊपर आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ से जो है किस तरीके से बनाई गई गुफा है, और यहाँ पर आने में काफी सावधानी से आना पड़ता है ऊपर, क्योंकि सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंची है और बहुत पतली जगह है, एक जने की निकलने की जगह है यहाँ से, और बहुत बड़े ही सावधानी से यहाँ पर ऊपर आना होगा। अभी और भी ऊपर जाकर मैं आप सभी लोगों को पूरा व्यू सतपुड़ा उद्यान का बताऊंगा, काफी अच्छा है ये पांडव गुफा। ये बहुत ही पतली सीढ़ियां है, तो बड़े ही सावधानी से क्योंकि पत्थर को काट कर बनाई गई सीढ़ियां। यह है पूरा ऊपर यहाँ का पांडव गुफा का टॉप,
पूरे टॉप पर आ चुके हैं हम ऊपर। है पांडव गुफा के पूरे टॉप का व्यू और यहाँ पर पूरे टॉप पर आ चुके हैं क्योंकि पांडव गुफा यहाँ से नीचे है। यहाँ पर आप सनसेट और सनराइज का मजा भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू है काफी तगड़ा और काफी अच्छा व्यू है। और पंचमढ़ी में पूरी पर्वत श्रृंखला इतनी शानदार है कि आप लोग यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा आप लोगों का। सो गाइज अभी हमारा फर्स्ट डे है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और अगले वीडियो में पार्ट 3 बना दूंगा, ये पार्ट 2 रहेगा। सो गाइज जरूर देखना, सब्सक्राइब कर लेना। पंचमढ़ी काफी टूरिज्म के लिए काफी शानदार व्यू है यहाँ का और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला आप लोगों को दिखाई देगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।